थैंक यू सो मच भरत सर, आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आज आप होस्ट हो और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, अपलाइन टीम का, कि जिन्होंने मुझे वो मेरे अंदर वो टैलेंट देखा और आज मुझे वो बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों, सबको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरा नाम है संदीप कोठवल, मिसेस योगिता के साथ में इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ और करीबन 1.5 साल पहले यह डिसीजन हो चुका था इस बिजनेस को करने का। और जो भी आज मैं आपको आपसे बात करने वाला हूँ, एक्चुअली मैं भी वो सब फॉलो कर रहा हूँ, तो वही मेरा एक्सपीरियंस भी उसमें रहेगा और कुछ और भी बातें होंगी। आज हम बात करेंगे, आपकी डायरी और पेन तैयार है तो हम आगे बढ़ते हैं। और इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों, जैसे अभी भरत सर ने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन कराया, मल्टी बिजनेसेस में करता था, तो इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप उसको रिलेट कर सके, बहुत सारे लोग हैं। और आज का मेरा जो भी सेशन होगा, मैं भगवान से यही गुजारिश करूंगा कि ये सेशन से अगर एक आदमी ने भी डिसीजन लिया और आने वाले 1 साल के अंदर और उन्होंने डिसीजन लेके वो हासिल किया, तो बहुत ही बड़ा मुझे मेरी ये इस मीटिंग का सफल हो गई, ऐसा मुझे मैसेज मिलेगा। तो मैं सबको शुरुआत करता हूँ और यस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। सर परमिशन है ना मुझे? ओके यस सर, यस सर। सर, विजिबल है सर? यस सर, ओके दिख रहा है। ओके, तो आज मुझे टॉपिक दिया गया है, वो है कोर, गो गेटर और 3 स्टेप टू सक्सेस। तो ये 3 स्टेप टू सक्सेस क्या है दोस्तों? आज मैं सबसे पूछना भी चाहूंगा कि आप इस बिजनेस की शुरुआत किए हो वो क्यों किए हो, व्हाई? तो सबका रीजन एक ही है कि हमें पैसा बनाना है ताकि हमारे सपने पूरे करने। लेकिन ये पैसा आप जो बनाने वाले हो उसको जब तक हम गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जो तब ये हासिल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें व्हाई हमारा क्लियर करना होगा कि हमें कौन सी चीज चाहिए जो आज हमारे पास नहीं है। तो उसके ऊपर आप फोकस करिए। आपके ड्रीम जो है आपने सबने किया होगा, लेकिन आज आज तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि यस मैं करूंगा करूंगा, होता है ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो आज मैं जितने भी लोगों ने नहीं बनाया है आपका ड्रीम बोर्ड, तो ड्रीम बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका विजन बोर्ड है। उसको सब बार बार देखते रहोगे तो वो आपके सपने हैं बहुत जल्द साकार हो जाएंगे। और दूसरी बात है दोस्तों कि इस बिजनेस में आएंगे सभी लोग, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस इनकम को पाने के लिए। बहुत जल्द आप देखोगे वो मैं पा चुका हूंगा कि 1 लाख रुपए इनकम बनाना। और हमारे अपलाइन मेंटर्स ने भी अभी वो फोकस किया है उसके ऊपर, अच्छी अच्छी लीडरशिप ट्रेनिंग हमने देना स्टार्ट किया है। तो ये 1 लाख रुपए बनाना क्यों जरूरी है दोस्तों, वो पहले समझना होगा आपको। क्योंकि 1 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं है, ना कि बड़ी रकम है, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली के लिए, अगर आप अच्छे पोजीशन पे भी हो तो भी 1 लाख रुपए पार्ट टाइम में बनाना छोटी रकम नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें, जैसे हम कहते हैं इस बिजनेस में आने के बाद के आज तक आपका जो नॉलेज है उतनी इनकम आज तक आप बना रहे हो, लेकिन आपको आपकी जितनी इनकम है उससे ज्यादा इनकम बनानी है तो कुछ चीजें सीखने होंगी। अगर आप लर्न करने के लिए रेडी हो तो आप ऑब्वियस है कि वो अर्न मोड में आ जाओगे। तो लर्निंग क्या है दोस्तों? तो यही टॉपिक जो हमें विनिंग टीम प्रोवाइड कर रही है, कि विनिंग टीम ने आज वो प्रूव करके दिखाया है, आज इतने लाखों लोगों के जिंदगी को टच कर रही है, उनके आज घरों में जो भी सपने हम देख रहे हैं वो पूरे होते नजर, हमें सभी एफआरयू में देखा, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हुए हैं। कैसे वो जिंदगी आज जी रहे वो इनकम पाने के बाद। तो सभी की शुरुआत शुरुआत से छोटी रकम से ही होती है, लेकिन इसको हम बड़े रकम तक कैसे लेके जाएंगे, ये आज हम आज के ट्रेनिंग में बात करेंगे, कोर एंड गो गेटर लीडरशिप ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले मैं अगली स्लाइड में लेके जाता हूं कि बिजनेस के लिए आपको बेसिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई, मतलब हम बच्चे होते हैं तभी हमें वो चलना सीखना है, सब कुछ करना है, हमें सब सभी लोग मदद करते हैं अगर हम गिरते हैं तो। तो यही है कि जो शुरुआत के स्टेप्स है वो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, फाइंड योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स फाइंड आउट करिए। उसके ऊपर हमें आपके अपलाइन के साथ में आप बैठ के उसको मैं गोल में कन्वर्ट कर सकते हो कि ये मेरा ड्रीम है और मैं कब तक ये कर सकता हूँ। इसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों।
देखिए, एक गांव में एक नया पर्सन आता है, और वो नया पर्सन जब आता है तो देखता है, उसको स्टेशन जाना होता है लेकिन आसपास में कोई दिखता नहीं है, तो ऐसे ही चलते रहता है। और आगे जाके एक झाड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए नजर आते हैं, और वो वहां पे जाके उनको पूछता है कि अंकल मुझे स्टेशन जाना है, तो आप क्या आप मुझे बता सकते हो कितने देर में मैं पहुंच सकता हूँ? और वो अंकल कुछ रिप्लाई नहीं करते उसको, कुछ रिप्लाई नहीं करते। तो वो बार शायद उसको लगा कि वो कम सुनते हैं, तो वो ऊंची आवाज में वापस उनको पूछता है, अंकल मुझे स्टेशन जाना है, क्या आप मुझे बता सकते हो कितने देर में पहुंचूंगा? तो ये 3-4 बार वो ये करने के बाद में वो अंकल जो है वो आंसर नहीं कर रहे थे। वो देख वो नजर आया वो लड़के को, बोला ये तो मतलब सटिया गया है, कुछ ऐसा है। उसने छोड़ दिया और चलना स्टार्ट किया। तो वो जब वो वॉक करने 10 कदम चला, तो पीछे से वो अंकल ने आवाज दिया, बेटा 15 मिनट लगेंगे। तो फिर वो लड़का वापिस आया, वो वापिस आने के बाद वो अंकल को पूछ रहा है, अंकल मैं आपको 4 से 5 बार इतने मतलब जोर, मुझे लगा आप कम सुनते हो तो मैं जोर से भी आपसे बात की, लेकिन आपने वो मुझे बताया नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन मैं आगे जाने के बाद आप पीछे से आगे आवाज लगा रहे। तो उसने कहा, बेटा तू मुझे पूछ तो रहा है कितना समय लगेगा, लेकिन मैं तब तक तेरे को बता नहीं सकता जब तक मुझे तेरा स्पीड पता नहीं चलेगा। तो यही चीज है दोस्तों, कि इस बिजनेस में आने के बाद भी आप उस ड्रीम तक, आपके गोल तक कब तक पहुंचोगे, ये आपके वर्क एथिक्स, आपके कमिटमेंट जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जब आप आपके अपलाइन के साथ में बैठोगे तो उनको पता है आपकी स्पीड क्या है, और वो स्पीड के हिसाब से फिर आपको गाइडेंस करेंगे कि ये आप डेट डालिए इसके ऊपर, वो फिर आपका इसमें कन्वर्ट होगा। और ये बेसिक है, ये बेसिक में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से शुरुआत करेंगे तो आगे तक मैं आपको लेके जा सकता हूँ। ऐसे अगर जो भी नए व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, तो शुरुआत आप इसी से करिए, आपके अपलाइन को भी चेक कर सकते हो एक बार। और दूसरा है, अभी हम आगे चलते हैं, एक्शन मोड में आते हैं कि क्या करना है। तो मेकअप कॉन्टेक्ट लिस्ट हमें बनानी है लोगों की, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। और आपने अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा है तो हमें हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए हमें कुछ ऐसे अच्छे लोग चाहिए जो हमारे साथ में हाथ डाल के काम करके उनका भी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने के लिए मदद करे। तो उन इसी के लिए हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी होनी चाहिए, तो ये मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आज आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है, तो ये 500 लोग खत्म होने के बाद फिर आप बोलेंगे खत्म हो गए, नहीं, ये रोज हमें अपडेट करना है। रोज हम किसी नए जगह पे जाते हैं या किसी और मतलब लोगों को मिलते हैं, तो अपडेट करते रहना है हमें लिस्ट। उसके बाद वो जो लिस्ट बनाया आपने, उसमें से आप जिस भी सिटी में रहते हो उससे शुरुआत करें पहले, कि जो भी नजदीक में है हमारे, तो उनको कॉल करेंगे हम किसके लिए, ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। तो उनको सिर्फ कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना है, जिसमें मैसेज ये रहेगा कि वो आप प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको कॉल करना है, ना कि पूरा बिजनेस आपको कॉल पे ही समझाना है। तो अगर वो करते हो आप, तो सिर्फ कॉल करना है, उनकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है आपको, उनको टाइम कब है, आपको टाइम कैसे मैच होता है, दोनों का टाइम मैच हो जाए तो आप वन ऑन वन प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, या तो हमारा अभी जो जूम के ऊपर जो प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, दिन में 2-2, 3-3 बार प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, तो जितने भी दिन भर में आप कॉल कर रहे हो उन सभी को अलग अलग प्रेजेंटेशन में आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। STP कहा जाता है उसको, शो द प्लान, आप मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट, वो दोनों कॉम्बिनेशन में आप उनको बता सकते हो। और वो दिखाने के बाद आप तुरंत या 24 आवर्स के अंदर उनको हम फॉलोअप कहते हैं, या गेटिंग स्टार्ट भी आप उनकी करा सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम उनको अच्छी तरीके से हमें राइट स्टार्ट करके देना है। तो राइट स्टार्ट अगर आप उस बिजनेस का करते हो, तो ये बेनिफिट्स आपको ही मिलने वाले, क्योंकि आपका ही बिजनेस जल्दी ग्रो होगा। तो आप क्या चाहते हो, आपका बिजनेस सही तरीके से बिल्ड हो? तो अगर आप चाहते हो सही तरीके से बिल्ड हो, तो आपने सही शुरुआत करनी जरूरी है। जितने भी सारे नए लोग हैं, उसके बारे में अभी मैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखूंगा, तो उसके ऊपर फोकस करिए, अपलाइन को चेक करिए और एक्शन मोड में आ जाइए। आज का मैं जो भी सेशन कर रहा हूँ, इस सेशन को खत्म होते होते आप एक ही चीज मुझे सभी लोगों को कहना है, कि जितने भी लोग आज मेरा सेशन सुन रहे हैं, इसमें सभी लोगों ने एक डिसीजन करना है कि आने वाले 2021 तक हमें 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम तक पहुंचना है। इसी के लिए आज का ये सेशन मैं ये कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, कैसे शुरुआत करें आपकी या आपके टीम में आने वाले किसी भी व्यक्ति की, आप कैसे शुरुआत करेंगे,
तो सब रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मिनिमम, ये मिनिमम यूज कर रहा हूं मैं, कि 150 पीवी का परचेस उनका करना है। 150 पीवी मतलब 30 रुपीज का अगर 1 पीवी है तो अप्रोक्स आप कन्वर्ट करोगे तो 4500 या मिनिमम 5000 तक हमें उनका परचेस करना है। उसके साथ में विनिंग टीम क्या है तो उनके बारे में आपको बताना है, विनिंग टीम के यूट्यूब चैनल, विनिंग टीम का एप्लीकेशन, और साथ में विनिंग टीम टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मेरी वीडियो चालू नहीं हो सकती, नहीं तो मैं दिखाता था आपका स्टार्टर पैक, और अभी जो नया एफआरयू के बाद में जो नए टूल्स अवेलेबल हुए हैं उसमें आप देखोगे बहुत सारी नई चीजें आई है, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो 1000 के आसपास वो सब कुछ आ जाता है, और 1000 आज मुझे नहीं लगता कि किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत बड़ी है। तो 1000 रुपए का अगर आप देखते हो बॉम्बे में या पुणे में, अगर एक अच्छे फाइव मतलब 3 स्टार भी होटल में जाते हो तो एक टाइम का खाना 500 रुपए का हो जाता है। तो ऐसा समझिए कि 2 टाइम का खाना आपने खा लिया है और इस सिस्टम के इन्वेस्ट करिए ये 1000 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये 1000 रुपीज का जो टूल्स आप लेने वाले हो इसमें से जो नॉलेज आप लोगे वही नॉलेज आपको आज आगे बढ़ा इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात है, जो भी एप्लीकेशन है उनको डाउनलोड कराइए, वेस्टिज के हो या विनिंग टीम के हो, उनको वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करिए। ये एक सही शुरुआत है, 150 पीवी प्लस विनिंग टीम टूल किट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप उनको फास्ट ट्रैक 8% कराना चाहते हो या नए व्यक्ति हो, आप खुद भी फास्ट ट्रैक 8% से शुरुआत कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स, एक फैमिली में लगने वाले प्रोडक्ट्स का एक चार्ट बनाया है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो या तो आप खुद का भी कर सकते हो, क्योंकि ये कोई किट नहीं है, बराबर है, ये तो आपकी चॉइस है, आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। फास्ट ट्रैक 8% से आप शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद जो आपने शुरुआत की है 282 पॉइंट की, उससे बेनिफिट भी है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यही शुरुआत आप अगर डिसीजन लेते हो कि मुझे जल्दी सक्सेस अचीव करनी है तो यही चीज आप डुप्लीकेट करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 16 लोगों के साथ। अगर आप ये करते हो 16 लोगों के साथ तो आप फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बनते हो, आपको फास्ट ट्रैक डायरेक्टर कहा जाता है, और फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बनने के बाद आपको डायरेक्टर बोनस भी आता है, परफॉर्मेंस बोनस भी सब मिलता है, ये सब कुछ मिलेगा आपको। दूसरा एक ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन में ही एक दूसरा मैं बताऊंगा कि 282 पीवी अगर आप 16 लोगों में नहीं एक महीने में कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 2 महीने में भी डिवाइड कर सकते हो। 20 लोगों के साथ में हमें वो फास्ट 8% का लेवल अचीव करना होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। 10 लोगों का इस महीने में किया, 10 लोगों का आने वाले महीने में किया, क्योंकि हमारा बिजनेस एक्युमुलेशन है। तो अगर आप 2 महीने का भी टारगेट रखते हो तो 2 महीने के अंदर भी फास्ट ट्रैक 8% से 20 लोगों के साथ में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हो। और उसके बेनिफिट्स क्या, मतलब फास्ट 8% जाने के बेनिफिट्स क्या है, तो आप जो परचेस करते हो उसका डिस्काउंट और बेनिफिट पकड़ के आपको 1500 का सेविंग होता है, साथ में फ्री प्रोडक्ट्स 920 रुपीज के आसपास आपको, सॉरी 900 के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं 10% के हिसाब से, और बोनस आपका जो कैशबैक है 450 या 500 के आसपास आपके अकाउंट में आता है, साथ में प्रोडक्ट वाउचर आपको 920 रुपीज के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, कंपनी के चॉइस के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, वेलकम गिफ्ट होगा वो कंपनी की तरफ से, और ये टोटल बेनिफिट अगर आप काउंट करते हो तो ये लगभग हो जाता है 3800 के आसपास। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, और साथ में आप अगर सही शुरुआत करते हो तो आपके साथ आने वाले नए जो 16 लोग हो या 20 लोग हो उनको भी ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो मतलब एक ही चीज का इसमें देखने को मिलती है कि हम जो कर रहे हैं वो चीज हम किसी को सिखा रहे करने के लिए, ऐसे करके हम लोगों को मदद करेंगे तो आपका भी एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। और के किस क्वालिफिकेशंस में आपको ये स्टार्ट करना है तो उसको कहा जाता है कोर क्वालिफिकेशन। ये कोर क्यों बनना है, क्योंकि ये आज जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आपने जो सपने देखे है ये सपने किसके है, ये सपने हमारे है और हमारे फैमिली के है, तो इसके पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। तो हम अगर वो जिम्मेदारी लगते हैं तो वो कोर हमें बनना होगा। ये कोर क्या है, तो कोर के कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला पॉइंट है पर्सनल, हमारा 150 पॉइंट का बिजनेस 10 तारीख के अंदर होना चाहिए। अभी तो कमिटमेंट डे भी स्टार्ट हुआ है, 2-3-4 कोर में भी अगर आप कमिटेड हो तो 2-3-4 डेट के अंदर ही आप आपका 150 अगर करते हो तो ये बहुत बड़ा बिजनेस आप आने वाले समय में कर सकते हो। यस,
10 कोर स्टेप हमें डेली बेसिस पे करने हैं। और आप 10 कोर स्टेप आपको पता नहीं है तो मैं आने वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा 10 कोर स्टेप क्या है। तो 10 कोर स्टेप भी हमें फॉलो करने हैं। ये 10 कोर स्टेप आप फॉलो करते हो तो एक मतलब आपका बिजनेस भी बढ़ता है, आप एक्शन भी करते हो, आपका माइंडसेट भी अच्छा बनता है और आपका कैरेक्टर भी बिल्ड होता है। तो ये सारी चीजें ये 10 कोर स्टेप में आती है, आने वाले स्लाइड में बताऊंगा मैं। साथ में आपको बी ए प्रेजेंटर, प्रेजेंटर मतलब आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। ये प्लान दिखाना जितना जल्दी आप सीखोगे उतना बड़ा बिजनेस आप बनाओगे। जब तक मतलब हम बोलते हैं ना कि दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के कितने लड़ाइयां जीती जाएगी, उससे ज्यादा लड़ाइयां आप खुद के दम पर जीत सकते हो। तो वही है कि प्रेजेंटर जितने जल्दी हो सके आप आपके जो भी स्पॉन्सर से या अपलाइन है उनको बोलिए कि मुझे जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना सीखना है। वो आपको गाइड करेंगे और आपको मदद भी करेंगे और आप उनको देख के अपने अभी तो जूम प्रेजेंटेशन पे हम दिन भर में चार चार पांच पांच प्रेजेंटेशन देख रहे तो जल्दी आप सीखोगे। और इसको हमें करना है दो प्लान, अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो दो प्लान दिन के करने हैं हमें। यस, उसके साथ में क्या करना है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे वो एग्जांपल देना बहुत आसान लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन था। तो मेरी कार वॉशिंग की शॉप थी, आप सोचिए कि मेरी कार वॉशिंग की शॉप है, मतलब थी, अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मेरी कार वॉश की शॉप है और मेरी जो कार है मैं किसी और कार वॉशिंग में वॉश कर रहा हूँ। तो क्या आप जब आते हो और मैं मेरी कार वॉश किसी और के शॉप में वॉश करते मुझे देखते हो तो अगली बार मेरे पास आओगे कार वॉश करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस है मैं मेरे बिजनेस के प्रति अगर कमिटेड नहीं हूं तो बाकी लोग मेरे पे विश्वास नहीं रख सकते। तो यही चीज है कि यहाँ पे हमारे घर में लगने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स है और वो वेस्टेज अगर बना रही है या वेस्टडील में अवेलेबल है तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। क्योंकि ये बहुत बार मैंने भी महसूस किया है कि जब तक हम किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते उसको बाय हार्ट किसी को पता नहीं सकते, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो ये चीज है कि 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। और उसके साथ में जब आप प्लान दिखाते हो अगर कुछ कोई लोग मना करते हैं अपॉर्चुनिटी करने के लिए, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, तो जो नहीं आ रहे ना उनके घर में भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो आपके लॉयल कंज्यूमर्स में। आप उनको बोल सकते हो कि जो भी बेनिफिट्स है आप उनको बेनिफिट दे सकते हो और उनका भी रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ उनको कंज्यूमर आपके बना सकते हो। तो 5-10 कंज्यूमर्स हमें मेंटेन रखने हैं, हर महीने उनका फॉलोअप लेना है, ये सब कुछ करना है। उसके साथ में सीईपी सब्सक्रिप्शन विनिंग टीम हमें वो एक एप्लीकेशन में सीईपी प्रोग्राम दे रही है। वो सीईपी प्रोग्राम है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। कंटिन्यूअस विनिंग टीम हमसे ऐसा एक समाज बनाने जा रही है जिस समाज में आप देखोगे आने वाले समय में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होने वाले। तो ये बड़ा अगर हमें बिजनेस करना है तो हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। ये सीईपी क्या करती है तो सीईपी आपको हर मतलब 24/7 आपके मोबाइल में वो सारा मटेरियल जो बिजनेस रिलेटेड आपको जरूरी है वो सारा मटेरियल आपके मोबाइल में होता है। इसको आप जब भी चाहे सुन सकते हो, देख सकते हो और किसी और को दिखा भी सकते हो। और जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो सीईपी सब्सक्रिप्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोर बनना है तो ये सब कुछ चीजें फॉलो करनी होगी। अटेंड मीटिंग एंड ट्रेनिंग रेगुलरली। जो भी हमारे मीटिंग्स हो रहे हैं हमारे ऑफलाइन हमें गाइडेंस करने के लिए जो भी मीटिंग्स या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है उसे हमें अटेंड करना जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है तो अगर उनको सही दिशा में लेके जाना है आपको तो वो जो सोच है वो जो भी मतलब नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए तभी आप किसी और को दे सकते हो। और उसके साथ में जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो टूल्स भी हमारे साथ होने चाहिए। वो टूल्स बैग एक आपका रेडी है तो रेडी होना चाहिए जिसमें आप कुछ प्लान दिखाने के लिए या राइटिंग पैड है विनिंग टीम का वो उसमें रख सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स के बुक रख सकते हो, कुछ सक्सेस स्टोरी का एटीट्यूड बुक है वो कुछ रख सकते हो। ऐसे करके आपका एक बैग रेडी कर सकते हो ताकि आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो
पूरा उसको प्लान भी दिखा रहे हो, उसके साथ में कुछ टूल्स भी बता रहे हो, कुछ सक्सेस स्टोरी भी बता रहे हो, तो उसको सभी बिजनेस सही तरीके से आप दिखा सकते हो। और साथ में अगर डेमो बॉक्स है आपके पास, डेमो बॉक्स के ऊपर कल कांचल दाई ने बहुत बढ़िया 2-3 बॉक्स हमें बताया कि वो भी आप कर सकते हो। आपके साथ में एक डेमो बॉक्स, कुछ 2-3 प्रोडक्ट का आपने डेमो दिखाते हो, वो भी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हो सकता है आपका। और विनिंग टीम को हमें फॉलो करना है, क्योंकि आज विनिंग टीम का बेनिफिट अगर आपको पता नहीं है तो जितने भी सीनियर लीडर्स है उनसे आप पूछ सकते हो। क्योंकि आज देखिए, एक लॉकडाउन ने हमें वो सब कुछ जूम के प्लेटफॉर्म पे लाया, लेकिन ये जूम प्लेटफॉर्म आने की वजह से हम एक ही समय में, आज के मीटिंग में भी कई सारे लोग हैं जो नेपाल से जुड़े हैं, जो दुबई से जुड़े हैं, जो बहरीन से जुड़े हैं, घाना से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब क्या हुआ है, देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे कंट्रीज के लोग वो ट्रेनिंग सुन रहे। तो ये विनिंग टीम का बेनिफिट है कि ये विनिंग टीम के थ्रू हम हमारा भी बिजनेस इतने सारे कंट्रीज में फैला सकते हैं। तो विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करिए, क्योंकि आने वाले आपके सक्सेस में विनिंग टीम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ये है कोर क्वालिफिकेशन। कोर क्वालिफिकेशन हमें 100% फॉलो करना है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्द हमें वो पैसा बनाना है तो कोर क्वालिफिकेशन फॉलो करना होगा। अभी हम चलते हैं गो गेटर के ऊपर। तो गो गेटर क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, जैसे आपने सोचा कोर, तो आप खुद कोर बनिए और आपके 6 लेग में, अलग अलग 6 लेग में आपको कोर बनाने हैं। आपके जो भी लीडर्स हैं उनको पहले कोर बनाना है और बाद में फिर उनको भी गाइडेंस करना है कि उनके भी टीम में और कोई लोग हैं उनको भी कोर तक लेके जाना है। ये क्यों करना है, क्योंकि देखिए हम एक प्रॉफिटेबल, हमें विनिंग टीम एक हमेशा एक सोच देती है, वो है कि हम ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आपको ये बिजनेस सस्टेनेबल बनाना है, डुप्लीकेबल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, बराबर, और बड़ा बिजनेस बनाना है। तो प्रॉफिटेबल अगर बिजनेस बढ़ाना है तो हमें स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। और ये शिक्षा हमें विनिंग टीम देती है कि आप अगर 6 लेग में कोर क्वालिफिकेशन रखते हो तो आने वाले समय में बहुत बढ़िया बिजनेस आप बिल्ड भी कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी इसमें क्या क्या करना होगा, यस ये तो जो मैंने बताया, 6 लेग में हमें कोर बनाने हैं। दूसरा है कि ये सभी लोगों को हमें सीपी प्रोग्राम में एनरोल करना है, उनका भी सीपी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करना है। नहीं किया है तो उनको गाइडेंस करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, तब वो आएंगे। यस, तीसरा है कंप्लीट पीएसी। पीएसी मतलब आपका पर्सनल एक्टिविटी सर्कल। अब ये पर्सनल एक्टिविटी सर्कल जो है ये आपको फॉलो करना है। पर्सनल एक्टिविटी सर्कल मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। और प्रमोट वेस्टीज एंड विनिंग टीम मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स, हमें प्रमोट करने के लिए सीखना है और वो प्रमोशन बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में है जिस बिजनेस में आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो बाय हार्ट हमें वो प्रमोशन आना चाहिए। जो हमें वेस्टेज कुछ अभी अपॉर्चुनिटी दे रही है या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही है हमारे लिए, आज जूम पे भी 3 में 4-4, 5-5 बार ट्रेनिंग हो रही है वेस्टेज के, तो वो भी हमें प्रमोट करने है हमारे टीम के साथ में। कुछ पता नहीं आपको किस व्यक्ति को कभी टाइम है, लेकिन वो देखने को, वो पूरा पढ़ने के बाद उसको अगर समझता है कि उसके जरूरत की चीज है, अगर कोई बीमार है और हेल्थ वर्कशॉप अगर चालू है तो वो हेल्थ वर्कशॉप अगर अटेंड करता है तो उसको वो बेनिफिट हो सकता है। कोई फार्मर है और उसको अगर आपने एग्री की ट्रेनिंग भेज दी तो वो एग्री की ट्रेनिंग लेके उसका एग्री का जो भी मतलब उपज है उसको भी अच्छा बना सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। मतलब ये बिजनेस बिल्ड बढ़ाने के लिए आपको बहुत जरूरी है, ये हमें प्रमोशन करना आना चाहिए। यस, ये है गो गेटर क्वालिफिकेशन। ये भी हम आगे चलते हैं। पीएससी क्या है दोस्तों, पीएससी को बहुत मैं आपको सबको कहूंगा कि आप सभी लोग पीएससी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी ये पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड करने के लिए ये पॉइंट निकाले हैं। आप पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आपकी जॉब या आप जो भी मतलब बिजनेस संभाल के कर रहे हो, तो 2 प्लान दिन के हमें दिखाने हैं और वो सीखना है हमें, वो रेशियो हमारा बढ़ाना है, उसको लेके जाना है 50% ज्वाइनिंग रेशियो तक। इससे क्या होगा दोस्तों, आप सोचिए कि 1 महीने में अगर 30 दिन है और आप रोज 2 प्लान दिखा रहे हो तो आपके पूरे महीने में 60 प्लान होते हैं। और ये 60 प्लान में अगर 50% आपका ज्वाइनिंग रेशियो होता है तो वो ज्वाइनिंग होगी आपकी 30 लोगों की, तो 30 लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपका नेटवर्क बढ़ना बहुत तेजी से चालू होगा। और ये 30 लोगों को भी हमें पीएससी में लाना है। जितने लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने आपका बिजनेस बढ़ने वाला है।
मिनिमम ज्वाइनिंग का रेशियो जो है मिनिमम 150 पीवी का है, रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करो तो 4,500 to 5,000 का, ये मिनिमम है। अगर कोई फास्टेड परसेंट से जाना चाहता है, आप फास्टेड परसेंट या फास्टेड डायरेक्टर से भी शुरुआत उनकी कर सकते हो, या आप खुद भी करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो। विनिंग टीम टूल्स कंपलसरी है दोस्तों, हर कोई व्यक्ति जो आप ज्वाइनिंग करते हो उनको कंपलसरी कर दो, 1,000 रुपए का आपको ये विनिंग टीम टूल्स लेना ही लेना है। उनको पूछना है, आप जब आप वो ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइनिंग साइन करते हो, तब आप उनसे पूछिए क्या आप सफल बिजनेस बनाना चाहते हो, क्या आपको ये बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है, जो आपके सपने हैं वो हासिल करना है। अगर उनका आंसर यस आता है तो उनको बोलना है कि सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। हमारे भी अगर मतलब बचपन की यादें या भी आप हम हमारे बच्चों के बारे में भी देखते हैं तो एडमिशन लेते हैं तो उसके साथ में हमें किताबें भी लेनी होती है, नोटबुक भी लेना होता है। जब तक वो टूल्स नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। यही चीज है कि आपके पास भी ये टूल्स होना चाहिए जिसमें सक्सेस प्रोफाइल भी होगी, बहुत कुछ मटेरियल होगा जो आपको भी इंस्पायर करेगा। यस, अभी आज भी हमने देखा हमारे जो भी मेंटर्स है, आज मेरे पास वो विनिंग टीम एटीट्यूड बुक जो है मैं ऑर्डर किया था, आज मेरे घर पे आया तो उसके फोटोज निकाल में मैंने ग्रुप में शेयर किए, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और दुख भी हो रहा है उसमें फोटो अपनी फोटो नहीं आई, तो अभी और पैशनेट हो गया हूँ कि बहुत जल्द उसमें फोटो लानी है। यस, ये आपका भी हो सकता है क्योंकि हमें सभी हम सबका सपना है सेलिब्रिटी बनना, बराबर है, तो ये सेलिब्रिटी बनाने का भी बिजनेस है, तो बहुत जल्द उसके ऊपर भी हम काम करना स्टार्ट करेंगे। यस, फॉलो यूर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एंड विनिंग टीम सिस्टम। पीएससी में भी हमें ध्यान रखना है, हमें हमारी जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनके सबमिशन में रहना है और विनिंग टीम सिस्टम के भी सबमिशन रहना है। जो भी अपलाइन और सिस्टम बता रही है उसको फॉलो करना है, क्योंकि इस बिजनेस में हमने देखा है ज्वाइनिंग के लिए कुछ पैसा नहीं दोस्तों, मतलब है कि हमारे अपलाइन को हमारे खुद के मतलब जो पर्सनल पैसा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारी सक्सेस में उनको इंटरेस्ट है। तो अगर आपके सक्सेस में आपके माँ पिता जो भी मतलब फैमिली है, वो फैमिली के बारे में कोई सोचता है तो वो है आपकी अपलाइन, बराबर है। तो अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली फेथ रख के आप चलना स्टार्ट करो तो अपलाइन और आपकी सभी की ग्रोथ होगी, आपकी टीम की भी ग्रोथ होगी उसके साथ। तो ये फॉलो करना है हमें पीएससी। अभी मैं क्राउन क्लब क्वालिफिकेशन मतलब आप जो अभी सीख रहे हो कोर गो गेटर, ये करने के बाद क्या होने वाला है, जब आप आपके 6 लेग में गो गेटर करते हो, बराबर है, तो उनके टीम में जब आप वो कोर बनाना स्टार्ट करते हो उनको गो गेटर लेके जाते हो जो आपके पिछले महीने में कोर थे। जब आप गो गेटर बने तो आपके पिछले स्लाइड में देखा आपने 6 कोर करने हैं, और अभी जो वो 6 कोर है उनको भी हमें गो गेटर बनाना है, मतलब उनको भी हमें वो हेल्प करनी है कि उनके भी 6 कोर की टीम बनानी है। ये स्लाइड में मतलब दिखाना ये है, मैं आने वाले स्लाइड में भी बता सकता हूँ और बोर्ड पे भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको। यस, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यों होगा, जब आप क्राउन क्लब क्वालिफिकेशन में जाओगे तो बढ़िया इनकम आपकी जनरेट होगी, कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख की इनकम जनरेट होती है, ऐसे स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। और ये विनिंग टीम हमें वो सिखा रही है, देखिए अपलाइन ने भी वही किया है, उनको भी हमें वो फॉलो करना है, उनको भी हमें डुप्लीकेट करना है। तो उन्होंने जो रास्ता दिखा है उस रास्ते पे चलना है, वो रास्ते पे चलेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलने वाली। तो आपका क्राउन क्वालिफिकेशन भी स्टार्ट होगा और बहुत जल्द आप क्राउन बनेंगे, और क्राउन बनने के बाद तो आप सभी को पता है कि जो भी बेनिफिट्स है सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं उसमें। आज 9 प्रकार का इनकम है, उसमें 8 प्रकार का इनकम आप क्राउन लेवल अचीव करने के बाद सभी आपको मिलते हैं। तो इतना बढ़िया मौका हमारे पास है, और विनिंग टीम ने ऑलरेडी क्या बोलते हैं एक्सप्रेस हाईवे बना के रखा है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम हमारा दिमाग लगाते हैं यार शॉर्टकट लेने के चक्कर में, लेकिन ऑलरेडी वो वही शॉर्टकट है, तो उसमें शॉर्टकट मत ढूंढिए। और जो विनिंग टीम हमें एक्सप्रेस हाईवे बता रही है, बस हमारी गाड़ी उस एक्सप्रेस हाईवे में लानी है, और आपको स्पीड तय करना है कितने स्पीड में जाना है। आप 20 के भी स्पीड में जा सकते हो, आप 100 के भी जा सकते हो, आप 150 के भी जा सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे है। तो ये जितने स्पीड में आप जाओगे उतना जल्दी आपको आपका सक्सेस मिलने वाला है। तो सक्सेस वेट कर रहा है आपका दोस्तों। और यस, 10 कोर स्टेप के बारे में मैं बोला था आपको, मैं बताऊंगा। तो 10 कोर स्टेप ये है कि ये 10 कोर स्टेप हमें फॉलो करनी है। इसमें आप अगर देखते हो तो आप पहला है डिफाइन द ड्रीम, दूसरा बुक सीडी मीटिंग्स, और
तीसरा है ये दो जो है ऊपर के हमारे ड्रीम मतलब सपना देखना, जो हमारे सपने हैं उनको लिखना, उनका विजन बोर्ड बनाना, ये सब कुछ उसमें करना है आपको। उसके बाद में बुक सीडी सीपी एंड मीटिंग, ये जो है ये हमें एसोसिएशन में आना है। ये एसोसिएशन क्यों जरूरी है दोस्तों, अभी हमने देखा कि जितने भी मतलब बुरी आदतें लगती है या अच्छी आदतें लगती है ये सभी एसोसिएशन में होता है। तो हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें हमारा एसोसिएशन चेंज करना होगा, हमें ऐसे सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहना होगा। और वो सक्सेसफुल लोग आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको बुक्स में, आपके सीडी में, आपके सीपी में और मीटिंग में। बराबर है, हम भी चाहते हैं 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए बनाना, तो हमें ऐसे लोगों को सुनना होगा, ऐसे लोगों के साथ वक्त देना होगा, तभी आपके साथ भी हो सकता है। यस, इससे थोड़ा थॉट प्रोसेस भी आपकी चेंज होगी। तीसरा है 100% प्रोडक्शन, जो उसके बारे में मैंने बात की, मेक अ लिस्ट है, इनवाइट कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट है, शो द प्लान है, राइट तरीके से उनका स्टार्टअप करना है नए लोगों का। और ये जो 3 स्टेप है आखिरी के दोस्तों, 8वां 9वां और 10वां 8, 9 एंड 10, ये क्या है, काउंसलिंग विथ अपलाइन, जो मैंने अभी बात की कि अपलाइन को सबमिशन में रहना है हमें, और जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड चीजें है उनको आपको ओवरव्यू करना है। मतलब वो आपको अगर सही जा रहे हो तो आपको अपलाइन और मतलब बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अगर मतलब रास्ते में आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में अगर स्पीड ब्रेकर है या कुछ खड्डे है तो अपलाइन को पता है ऑलरेडी। अगर आप काउंसलिंग करते हो अपलाइन के साथ में तो वो आपको सही तरीका बता सकते हैं कि आप राइट से मत जाइए, लेफ्ट से जाइए, तो आपके रास्ते में खड्डे नहीं आएंगे और आपका ये स्मूथ हो सकता है जर्नी। वही चीज है कि सक्सेस की जर्नी है हमारी, ये सक्सेस के जर्नी में हमें पड़ाव आने वाले हैं, तो वो पड़ाव में कैसे पार करना है ये आपके अपलाइन के सिवा आपको कोई नहीं बता सकता है। दूसरी चीज है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी इस बिजनेस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में है जहां हमें लोगों को टाइम देना है, लोगों का टाइम हमें लेना है, और कभी पैसों को भी बात आती है, लेन देन है, उसके बारे में भी हमें अकाउंटेबल रहना है। पहली बात तो ये पैसों का व्यवहार हमें इसमें करना ही नहीं है, क्योंकि कैश एंड कैरी का बिजनेस है, बिल्कुल भी डेट फ्री बिजनेस है। दूसरा अकाउंटेबल हमें टाइम के बारे में रखना है, क्योंकि किसी को आपने वक्त दिया है, मैं संडे को आपको 4 बजे मिलता हूं, तो 4 को 10 कम होने पे आपको पहुंचना है, ना कि आपको मतलब 4:15 को पहुंचना है 4:15 के बाद। तो ये अकाउंटेबिलिटी रखनी है आपको। क्यों रखनी है, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप मतलब अभी आज का मीटिंग हमने देखा कि हमने राइट टाइम पे स्टार्ट किया, अगर ये हमने अगर 9:45 या 10 को स्टार्ट किया होता तो जो 9:25 को आए हैं वो क्या सोचते हैं, अरे यार यहाँ पे तो अकाउंटेबल ही नहीं है, टाइम की कुछ वैल्यू नहीं है। तो ये होता है दोस्तों, तो ये हमें वो याद रखना है, जो भी हमारे मीटिंग्स है किसी को टाइम दिया है ये टाइम पे हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे साथ साथ लोगों का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है लर्नेबल टीचेबल डुप्लीकेबल, जैसे एसपी बालन सर हमेशा कहते हैं कि आप सीखोगे तभी किसी को सिखा पाओगे और वही डुप्लीकेट करोगे, तो डुप्लीकेट जो भी डुप्लीकेबल चीजें है वही हमें करनी है। हमें अपलाइन विनिंग टीम सभी से सीखना है और हमारे टीम को गाइडेंस करना है, उनको टीच भी करना है, आपको टीचेबल भी बनना है, और साथ में वो जो भी काम कर रहे हैं वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास गाड़ी है, मैं अभी मतलब 2 महीने पहले मैंने वेस्टेज से ही 4-व्हीलर ली, तो अभी मेरे पास 4-व्हीलर है, लेकिन वो मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए मेरी गाड़ी यूज कर रहा हूँ, और मैं वहां पे मेरी लैपटॉप लेके जा रहा हूँ और वहां पे जाके लैपटॉप पे उनको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। तो मतलब अगर मेरे टीम में कोई ऐसे व्यक्ति है कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है, तो उनके दिमाग में क्या होगा, क्या अरे यार प्लान दिखाने के लिए तो लैपटॉप जरूरी है, तो पहले उनके दिमाग में आएगा कि इन्वेस्टमेंट, मतलब वो उनके तरीके से सोचेंगे। तो हमें वो याद रखना है कि जो डुप्लीकेबल है वैसे ही हमें काम करना है, कि ताकि वो डुप्लीकेट कर सके। प्लान भी ऐसे दिखाना है आपको कि आने वाले समय में आपकी डाउनलाइन आपका डुप्लीकेट करके वो प्लान जल्दी से सीखे। तो ये लर्नेबल टीचेबल डुप्लीकेबल अकाउंटेबल और काउंसलिंग विद अपलाइन, ये तीन जो स्टेप है ये आपका कैरेक्टर बिल्ड करने वाले। और आपका एक बार कैरेक्टर बन गया दोस्तों तो आपको सभी जगह जाना जाएगा, आप एक सेलिब्रिटी बनोगे और सब कुछ बहुत जल्दी आप हासिल कर सकते हो। तो इन 10 core step को आप एक चार्ट बना सकते हो, एक साइड में 10 core step लिखिए, और आने वाले इसमें 1 तारीख से लेके जो भी मतलब मंथ है 30-31 तक,
तो उसके लाइन निकालने हैं, और हर वक्त आपको सेल्फ एनालिसिस करना है रात को कि आप दिन भर में कितने कितने स्टेप फॉलो कर रहे हो। अगर कोई स्टेप भूल रहा है तो अगर उसमें भी कमिटेड रहना है। अगर मैंने प्लान दिखाया है तो मैं यस करूंगा, चार दिखाए हैं तो वहां पे फोर लिखूंगा, अगर नहीं दिखाया है तो मैं उसको क्रॉस करूंगा। तो ये कमिटेडली आपको करना है, क्योंकि इस बिजनेस में आप देखते हो तो सेल्फ एनालिसिस, ये बिजनेस आपका खुद का है, ना कि आप डाउनलाइन के लिए कर रहे हो ना ही तो आप अपलाइन के लिए कर रहे हो। तो ये 10 कोर स्टेप आप खुद फॉलो करते हो तो इसका रिजल्ट भी आपको ही मिलने वाला है। यस, बहुत जल्द आप इस सक्सेस को हासिल कर सकते हो। तो 10 कोर स्टेप को फॉलो करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, जो मैंने कहा था कि 1 लाख रुपए की इनकम के लिए आपको जो सही स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे यू दिख रहा है तो वो आप हो, आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, बराबर है, तो आप बन गए पहले कोर, आपने वो 6 लोगों को कोर करा, वो भी कोर बन गए। अभी आपको करना है जो कोर बने हैं उनको गो गेटर। अभी वो गो गेटर कब बनेंगे, जब उनके नीचे आप 6 कोर करने में मदद करते हो, तो ये स्ट्रक्चर होगा ऐसा। और फिर वो जो 6 लोग हैं उनको भी हमें गो गेटर बनाना है, तब आपका क्राउन क्वालिफिकेशन स्टार्ट होता है। और वो गो गेटर जब बनते हैं उनके टीम में कुछ और आते हैं। तो ये सही स्ट्रक्चर है एक अच्छी इनकम पाने का। अगर ये फॉलो करते हो आप ये स्ट्रक्चर, तो आने वाले समय में बहुत जल्द आप 1 लाख रुपए से 2 से 2.5 लाख रुपए का इनकम बना सकते हो। हमने FRV में देखा है, क्राउन लेवल पे भी बहुत सारे लोग 2.5 से 3 लाख रुपए का इनकम कमा रहे। यस, और हमारे मेंटर जो भी एकनाथ सर है या श्री सर है, आज दोनों का भी हमें पता है कि 3 लाख रुपए से ऊपर का इनकम है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में वो आना है। तो वो जो भी कहते हैं, वो विनिंग टीम जो भी कहती है वो हमें फॉलो करेंगे, तो हमारे लाइफ में भी वो सब कुछ आ सकता है। यस, तो आप तैयार हो अभी कोर करने के लिए, गो गेटर जाने के लिए? और मैं कहूंगा क्राउन डेफिनेटली बनोगे आप जब कोर और गो गेटर आप फॉलो करते हो। तो ये सही शुरुआत है बिजनेस की, और अच्छा मतलब सिस्टम ने हमें बताया है कि उसको अगर हम जल्दी फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत बड़ा सक्सेस पा सकते हो। यस, तो गो कोर, गो 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 गेटर एंड गो क्राउन फास्ट। तो गेट सेट गो जो कहा जाता है, हमारी विनिंग टीम भी हमें सिखाती है कि एक टेम्पो मेंटेलिटी के साथ में करना है। हमने FRV में भी देखा कि मैसिव एक्टिविटी क्या होती है, PSC अगर जो फॉलो कर रहे हैं तो उनको क्या सक्सेस मिल रही है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप सभी लोग एक टेम्पो मेंटेलिटी लेके एक मैसिव एक्टिविटी और PSC को फॉलो करेंगे, तो बहुत जल्द आपका भी बिजनेस बहुत बड़ा होगा और आपके सभी के घर में बहुत अच्छी इनकम आएगी। और यहाँ पे मैं थैंक यू कहता हूँ सभी का, आपने पेशेंटफुली इस प्रेजेंटेशन को सुना, और कोर, गो गेटर, PSC के बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपके अपलाइन जो भी आपके मेंटर्स है उनके साथ में बैठिए और ये स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए और आप एक सही शुरुआत करिए। और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमारी टीम ऑर्गेनाइज कर रही है कि जिसके थ्रू आप बहुत जल्द 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंच सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच भरत सर, थैंक यू सो मच एकनाथ सर, श्री सर, आपने यहाँ मुझे ये प्रेजेंट करने का मौका दिया। यस, थैंक यू सो मच, बैक टू यू भरत सर। यस, थैंक यू सो मच संदीप सर, बहुत बढ़िया सेशन आज का रहा, और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कवर कर दिया कि कोर क्यों बनना है और कोर बन के क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये भी उन्होंने बताया। बाद में गो गेटर कितना इम्पोर्टेंट है, कोर और गो गेटर कि पूरा स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि 6 लाइन हमारे स्टार्ट होनी चाहिए और वो भी सिस्टम के साथ, तभी हम बहुत बड़ा मतलब आगे का रास्ता हमारा क्लियर हो सकता है। जैसे उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे का भी एग्जाम्पल दे के बताया, तो ये कितना बहुत बढ़िया है, क्योंकि विनिंग टीम ने तो ये सब करके दिया है, सिस्टम पूरा बना के दिया है, हमें सिर्फ चलना है, तो रुकना नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज माइंड में नहीं रहना है, सिर्फ वो हाईवे पर कंटिन्यू मैसिव एक्शन करना है। तो थैंक यू सो मच। और उसके साथ उन्होंने और एक मतलब एग्जांपल नेक्स्ट दिया, क्राउन क्लब, मतलब वही स्ट्रक्चर आगे जाके फॉलो किया, तो एक विनिंग टीम का राइट स्ट्रक्चर के साथ, राइट सिस्टम के साथ हम एक बहुत बड़ा मतलब काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच संदीप सर। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज उन्होंने बहुत बढ़िया हाईलाइट की, हमारा जो मेन है पॉइंट 10 कोर स्टेप, वो भी उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया 10 कोर स्टेप। मतलब देखो दोस्तों कि ये स्टेप से एक भी पॉइंट हमारा मिस हो गया तो हम मतलब सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो हर एक पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है ये भी उन्होंने एग्जाम्पल दे के बात किया।
और लास्ट में उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर के साथ ये 3 मंथ में भी पूरा हमने किया, तो ये कितना बढ़िया अमाउंट मतलब हम सक्सेसफुल कर सकते हैं और हमारे अकाउंट में आ सकता है, ये भी उन्होंने पूरा हाईलाइट करके बताया। तो थैंक यू सो मच संदीप सर, बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। तो बाकी जो बचा हुआ है तो मैं एकनाथ सर को इनवाइट कर देता हूँ, एकनाथ सर आगे का मतलब वो भी क्लियर करेंगे। एकनाथ सर मेरी आवाज आ रही है तो आपको को मैं को होस्ट बना दिया है, आप आगे का मतलब स्टार्ट कर सकते हैं सर। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन संदीप सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू, बेहतरीन बेहतरीन प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, सुपर्ब सुपर्ब, रियली प्राउड ऑफ यू। यस दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, वो आज के प्लान प्रेजेंटेशंस में आपने जो आज के प्रेजेंटेशंस में आपने जो भी स्टेप सुने, जो भी टिप पॉइंट निकाले, जो भी आपने देखा सर ने कौन कौन से पॉइंट उसमें इन्वॉल्व किए थे, ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं, राइट। मोटिवेशंस रहता है आपकी एनर्जी के लिए, ड्रीम्स रहते हैं आपको ड्राइव करने के लिए, बट पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव एक्शन विल गिव यू बेटर रिजल्ट, राइट। और ये सारी जो आज के प्रेजेंटेशंस में पॉइंट आए वो एक्शंस के हैं, और एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक शुरू में ही बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी संदीप सर ने, मैं थोड़ा कंक्लूजन करना चाहूंगा इस मीटिंग को, इस मीटिंग को समरी देता हूँ मैं इस मीटिंग के। तो शुरू में सर ने कहा था कि आप कितने टाइम में कहाँ पहुंचने वाले है वो डिपेंड है आपके स्पीड के ऊपर, राइट। और यहाँ स्पीड बढ़ता है डायरेक्शन इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस में, वो हमारे मैसिव एक्शन से, जितना मैसिव एक्शन करोगे उतना तेजी से, उतना जल्दी से, स्पीडली आप मैसिव रिजल्ट पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा आपको, सर ने कहा पीएससी, एक प्रेजेंटेशन था उसमें पीएससी, और ये पर्सनल एक्टिविटी सर्कल जिसका ज्यादा है, जिसका स्ट्रांग है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि मेरा टीम काम नहीं कर रहा है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरे पीवी नहीं बढ़ रहे, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, आई वुड लाइक टू से दोज पीपल हु इज सेइंग लाइक दैट, एक बार अपनी पीएससी चेक करें। मैं नहीं कहता कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट ये काम ऐसा नहीं होगा कि 5 तारीख को एक प्लान दिखाया, फिर 13 तारीख को 2 प्लान दिखाया, फिर 22 तारीख को एक प्लान दिखाया और एंड ऑफ द मंथ हम पीवी गिनने लगे। इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ लोग 20 तारीख आती है या 18 तारीख हो जाती है, 22 तारीख आ जाती है तो ऐसे बैठते हैं अभी महीना खत्म हो गया और हमारा प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट संदीप सर, है ना, कि अभी तो नहीं होगा यार, 4 दिन ही बचे, अभी अगले महीने देखेंगे। नहीं होगा ऐसा, आपको महीने के आखिरी दिन, आखिरी मिनट में भी आपको काम करना होगा। शायद इसी महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगले महीने के पहले हफ्ते में उसको उसकी प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। जस्ट अंडरस्टैंड कैसा बिजनेस ड्राइव होता है। तो पीएससी, मैं आपको एक मौका देता हूं, जो लोगों को लगता है कि मेरे मन के जैसा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उनको मैं आपको एक प्रैक्टिकल होमवर्क और मौका देता हूं, और हो सकता है आप उसका फीडबैक मुझे दे दे उसी दिन जिस दिन ये महीना खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे 1 मार्च को क्लोजिंग हो जाएगा, उस दिन रात को हमें मुझे फीडबैक दे दे, सही तरीके से इसको होमवर्क कीजिए आप। 19 20 तारीख से अपना पीएससी स्टार्ट करें, 10 दिन आपके हाथ में है, राइट। 10 दिन आपके हाथ में, 10 दिन सही ढंग से पीएससी करें, 2 प्लान रोज दिखा दे नए लोगों को, हो सकता है 3-4 भी दिखा सकते हैं, 5 भी दिखा सकते हैं, जो फुल टाइम कर रहे हैं वो बहुत सारे प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं कम से कम 2 प्लान, यानी कि 10 दिन में आपको 20 प्लान दिखा दे, और देखो लोग, नए लोग ज्वाइन हो जाते हैं नहीं हो जाते, आपका पीवी बढ़ता है नहीं बढ़ता है, आपकी टीम में मोमेंटम आता है नहीं आता है, आपके अंदर खुद के अंदर एनर्जी आती है नहीं आती है, 10 दिन के बाद हम देख सकते। मैं कुछ लोगों को ऐसे भी बोलता हूँ कि 1 तारीख को पीएससी स्टार्ट करें और एंड ऑफ द मंथ, 1 महीना होनेस्टी से, पूरी प्रामाणिकता के साथ 1 महीना पीएससी के ऊपर फोकस करें,
ये ना कहे कि मेरी टीम के अंदर कोई नहीं आ रहा है, मेरी टीम के मैं बेसिक जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया एक दो महीना तीन महीना चार महीना हो गए, जिसके टीम में मोमेंटम नहीं है, जिसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, जिसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उनके मन के जैसे रिजल्ट नहीं आ रहे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। राइट, आप कर लीजिए एक महीना होनेस्टी से पीएससी के ऊपर फोकस कर दीजिए और देख लीजिए आपके बिजनेस के अंदर कितना अच्छा मोमेंटम आ जाता है। एक महीने में 1,00,000 रुपए नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे और वो बाद में आपको पता चलेगा कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप खुद ही हो जो आपके लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल करने जैसी बात है। सिस्टम को सबमिट करना, सबमिशन का मतलब होता है पूरा सबमिशन। राइट, सिस्टम को सबमिट करना बिना सवाल पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम किसी एक व्यक्ति को सक्सेस कर रही है, दो व्यक्ति को सक्सेस कर रही है, 10 व्यक्ति को सक्सेस कर रही है, 100 लोगों को सक्सेस कर रही है, तो आपको क्यों नहीं करेगी? या आज आप बिजनेस में आए हो, आप सक्सेस होना नहीं चाहिए इसलिए सिस्टम बनी है? शायद आपका आपका नाम मालूम नहीं था, आपका कुछ पता नहीं था, उस टाइम ही सिस्टम बनी है, और इसलिए बनी है कि आप आए इस सिस्टम को अपना ले और आपका खुद का सक्सेस पा ले। तो आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं सिस्टम को कि ये क्यों करना है, नहीं करना है, ये नहीं होगा, ये ऐसा होगा, नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? आपको पूछ के या आपको सामने रख के आप कैसा करने वाले हो ये देख के सिस्टम नहीं बनाई है ना। घड़ी घड़ी जो बनी ना, वो हम पैदा होने से पहले बनी, वो हमारे पहले भी सही टाइम दिखा रही थी, हम पैदा हुए तभी भी सही टाइम दिखा रही थी, अभी भी सही टाइम दिखाती है, और आने वाले कितने सालों में वो सही टाइम ही दिखाती रहेगी, क्योंकि वो घड़ी के अंदर एक सिस्टम बैठी हुई है। तो ये बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन था सर का, बहुत आसानी से फ्लुएंटली सिंपली बताया सर ने, बहुत अच्छा टीचिंग किया, आई लाइक दैट। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सारे पॉइंट के ऊपर अगर गौर किया आपने तो ध्यान से उसके ऊपर एक्शन करें, एग्जीक्यूट करें उस सारे सिस्टम को, सारे पॉइंट्स को, सक्सेस अपने आप पीछे आएगा। सक्सेस इज बाय प्रोडक्ट। सक्सेस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, सक्सेस के लिए रोने की जरूरत नहीं है, सक्सेस के ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सोचना है तो आपके एक्शन के ऊपर सोचना होगा, ध्यान देना है, फोकस करना है, हमारे पीएससी के ऊपर करना होगा, सक्सेस आएगी आपके पीछे। आप ना बोलोगे तो भी सक्सेस आएगी आपके पीछे, चिंता करने की जरूरत नहीं। राइट, सो ये कर लीजिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर, और ये बार बार होना चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार तो ये सेशन होना चाहिए। राइट, so that is the things I would like to say all of you. Thank you so much everybody, and thank you so much Bharat sir, back to you. Yes, thank you so much Ekranath sir, बहुत बढ़िया, मतलब आपने message दिया, क्योंकि ये duplication होना बहुत जरूरी है। हम मतलब आज का जो session लिया है वही हमारे team को duplication होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक बहुत एक successful हमारी team भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये business duplication और multiplication का है, सभी लोगों को पता है। तो आज मैं थोड़ा फीडबैक लेना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मतलब डायमंड के ऊपर लोग हैं आज ये मीटिंग में, तो एक दो दो मिनट का फीडबैक दे सकते हैं, हमारे जितने भी पावरफुल सेशन हो गए हैं अभी तक, और आज का सेशन का भी आप वो फीडबैक दे सकते हैं, थोड़ा हैंडरेज किया तो अच्छा रहेगा डायमंड एंड अप जितने भी लोग हैं इधर, तो थोड़ा फीडबैक देना बहुत जरूरी है, बाकी लोगों को भी समझ में आता है मैसेज। तो पहले हमारे क्राउन साधना जगदाले मैम ने अनम्यूट किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है तो आप उधर से अनम्यूट करके दो मिनट लोगों को मैसेज दे सकते हैं। सर, थैंक यू फॉर इनविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राउड ऑफ यू संदीप सर, बहुत बढ़िया लगा, इतना मतलब कुछ नया सीखने को मिला। वैसे तो कोर बोगेटर हम हमेशा ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आज सर जी ने जो खुद का पीपीटी बनाया, और इसके लिए मैं प्राउड फील करती हूँ। खुद का पीपीटी बनाया और उसके ऊपर हमें सारी बातें बहुत ही सिंपल वैसे सिखाई है उन्होंने, तो खाली हमें वो फॉलो करना है। और अभी हमारा जो पूरा वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सब लोगों ने डायमंड अपने रखा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। यहाँ पे अभी थे 167 पीपल वगैरह थे,
तो ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर मीटर का कॉल कीजिए। कल शायद विनिंग टीम का सीईओ इसके वजह से नहीं होगा, संडे को वापस कोई ना कोई डायमंड एंड अप आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आएगा। तो देखिए कितना अच्छा है, अभी घर बैठ कर आपको खाली मोबाइल पे लैपटॉप पे अटेंड करना है, कहीं पे आपको ट्रेवलिंग करके नहीं जाना है, हॉल में नहीं जाना है, घर बैठ के शाम का अपने समय दिन भर आपकी जो भी फील्ड एक्टिविटीज है वो आप कीजिए, आपका जो भी पर्सनल सीईओ ऑन जूम वो आप कीजिए, लेकिन जो ट्रेनिंग है नाइट का तो वो आपने 100% अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें आपको घर बैठे सीखने को मिलते, खाली वो फॉलो करना है और हर एक का बिजनेस 100% ग्रो होगा। अभी संदीप सर ने जो भी बातें बताई, फैक्ट्स एंड फिगर बताई, वो खाली आप फॉलो करते स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो क्राउन की तरफ से वो टुवर्ड्स वो जो स्टेप है क्राउन की तरफ आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन खाली वो स्टेप्स वन बाय वन आपने फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स वंस अगेन संदीप सर, और जोरदार ताली है सबकी तरफ से संदीप सर के लिए, थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू सो मच साधना मैम, बहुत बढ़िया मैसेज आपका मतलब रहा। मैं और कोई डायमंड डायरेक्टर के अप है, मतलब क्राउन है, डायमंड है, या श्री सर है यहाँ पे? ओके तो थोड़ा हैंडल किया तो अच्छा रहेगा बाकी लोगों ने भी। श्री सर एक मिनट में ढूंढना पड़ेगा मुझे। यस यस श्री सर, मैं आपको अनम्यूट किया है, इधर से आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। यस सर, थैंक यू सो मच भरत सर। एंड जब आपका स्टार प्लेयर बैटिंग कर रहा है ना, तो आप पेविलियन में थोड़ा रिलैक्स में बैठ सकते हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा म्यूट मोड में था क्योंकि मैं कुछ और तैयारी कर रहा था, और स्टार प्लेयर की बैटिंग एंड में समझ में भी आ रही थी, क्योंकि जो फीडबैक साधना मैम का आया, जो फीडबैक एकनाथ सर का आया, कांचन मैम ने चैट बॉक्स में बहुत देर पहले ही एक मैसेज पोस्ट किया था, दैट अमेजिंग सेशन, एंड उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, और उन्होंने कहा जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, ये कांचन मैम ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल दिया था। सो और ये वे लोग हैं जो अपने अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो थ्री स्टेप्स के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और संदीप सर अगर वो आपको कह रहे हैं हैट्स ऑफ अमेजिंग, सो वी नो दैट वी हैव पुट द राइट बैट्समैन, और एकनाथ सर ने भी बराबर कहा कि ये बैट्समैन को तो हफ्ते में एक बार पेविलियन में से बाहर स्टेज पे ग्राउंड में भेजना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 10:30 बजने को हैं, और अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं, अगर 10:30 बजने को हैं और आप अभी भी जुड़े हुए हैं, आपका कुछ तो एक्सपेक्टेशन है कि आप यहां से कुछ ले जाओगे, क्योंकि जब सेशन खत्म होता है बहुत सारे लोग लीव हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बने हुए हैं, वो किस चीज की तलाश है आपको, और हमारे डायमंड अप ने आपके तलाश को थोड़ा फाइन ट्यून किया है, और ये साल हम उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, दिन रात काम करने के लिए हम तैयार हैं, जो 1,00,000 रुपए महीने का घर ले जाना चाहते हैं। संदीप सर ने आपको एक रूट सेट करके दे दिया है, उन्होंने वो हाईवे सेट कर दिया है, और ये ख्याली पुलाव नहीं है। आप में से जितने लोगों ने FRU अटेंड किया है, आपने देखा है कि लोग ऑलरेडी स्टेज पे जा रहे हैं और ये मुकाम हासिल कर रहे हैं पैंडेमिक में, लॉकडाउन में। तो जो रास्ता अभी संदीप सर ने सेट किया है, आपके एक्टिव ग्रोइंग मेंटर अपलाइन के साथ संपर्क में रहें, और अगर आप विश्वास रखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आप 1,00,000 रुपए प्रति महीने 2021 में घर ले जाएंगे। बहुत सारे लोग इस साल के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एकनाथ सर ने नवंबर में घोषणा की थी, वो भविष्यवाणी की थी कि 2021 एक अद्भुत साल रहेगा, नवंबर में उन्होंने कह दिया था, और अगर आप में भी विश्वास है कि 2021 सुख और समृद्धि का साल है, और इसी साल आप 1,00,000 रुपए प्रति महीने घर ले जाना चाहते हैं, आपके एक्टिव ग्रोइंग मेंटर अपलाइन के साथ संपर्क में रहें। कल एक प्रोग्राम शुरू होने को है, लिमिटेड नंबर्स हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचने वाले हैं, तो आपके व्हाट्सएप मैसेज और आपका फोन का इंतजार रहेगा कि आप भी ये लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं, और हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। एंड संदीप थैंक यू सो मच,
जो काम आपको सौंपा गया था यू हैव डन इट ऑसम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बैक टू यू भरत सर। यस थैंक यू सो मच श्री सर, 100% ये ट्रू होगा। और आपने जो मैसेज दिया है ये साल का हम 20 मतलब ये जो साल है हमें 1 लाख रुपए चाहिए सभी लोगों को, इसलिए तो लोग अभी भी 150 लोग है और ये मतलब ये ट्रेनिंग का मतलब वेट कर रहे हैं और कुछ क्या मिलेगा, क्योंकि 100% मिलेगा क्योंकि इसलिए तो लोग वेट कर रहे हैं और उनको पैसा चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज का जो सेशन था बहुत बढ़िया था और कांचन ठोंबरे मैम ने हैंडल किया है। यस मैम आपका भी हमें फीडबैक चाहिए तो आपको मैं एडमिट कर रहा हूँ इधर से, आप उधर से एडमिट करके बात कर सकते हैं मैम। यस भरत सर थैंक यू सो मच, यहाँ पे शिरीष सर और एकनाथ सर थैंक यू सो मच ऐसे सेशन अरेंज करने के लिए। और संदीप कोतवाल सर का क्या कहना, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया है। ड्रीम बोर्ड अगर आपने बनाया नहीं है तो वो बनाने के लिए कहा है, और उन्होंने जो शुरुआत की कोर गो गेटर से क्राउन क्लब तक की, तो अगर ये प्रेजेंटेशन आपने सही मायने में सुना है तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल, डुप्लीकेबल, प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टर्म जरूर बिल्ड होगा। और ये सेशन से बहुत लोगों को फायदा मिला होगा क्योंकि नए लोगों ने ये वर्ड शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन इतना डीप में उन्होंने बताया है कि जो पीएससी करेगा उसको सक्सेस तो बिल्कुल मिलने वाला है, तो पीएससी करते रहना चाहिए और पीएससी ही सक्सेस है। थैंक यू सो मच, बैक टू भरत सर। यस यस थैंक यू सो मच कंचन मैम, क्योंकि कंचन मैम ने बहुत बढ़िया मैसेज एक दिया है कि पीएससी करना बहुत जरूरी है, पर्सनल एक्टिविटी सर्कल, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि वही एक डुप्लीकेशन हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आगे जाके हमारा ये बिजनेस 100% ग्रो हो सकता है। तो थैंक यू सो मच मैम। और कोई है मतलब डायमंड डायरेक्टर अप है तो थोड़ा हैंडल किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अनम्यूट कर देता हूँ। नहीं है तो मैं सभी डायरेक्टर जितने भी लोग हैं वो डायरेक्ट लोगों का एक मैसेज देना है मुझे कि अपना जो ग्लोबल डायरेक्टर ग्रुप है वो ग्रुप पर आपको मैसेज देना है, मतलब ये जो भी हमारे अभी तक सेशन हो गए वो सेशन का फीडबैक देना है वो डायरेक्टर ग्रुप का, और दो सेंटेंस मतलब आपको ये सेशन कैसा लगा और ये सेशन से आप क्या डुप्लीकेशन करने वाले हैं, तो ग्लोबल डायरेक्टर ग्रुप पर आपको ये फीडबैक देना है। बाकी जितने भी डायरेक्टर हमारे बच्चे हैं और जितने भी लोग हैं और जो डायरेक्टर नहीं है वो लोगों ने क्या करना चाहिए, वो लोगों को भी एक मैसेज देना है। आपका जो भी डायरेक्टर है, आपका जो भी ग्रोइंग अपलाइन है, उनको मैसेज देना है कि ये सेशन हमारे मतलब कैसा लगा। तो ये सभी लोगों का फीडबैक इम्पोर्टेंट है, तभी हम आगे का भी बहुत कुछ आगे हम चेंज करके ये आपको दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन एक बार, मैं सभी लोगों को फीडबैक का वेटिंग हम सब लोग करेंगे और आपका फीडबैक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगेन एक बार मैं थैंक यू सो मच संदीप सर को बोलूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सेशन उन्होंने कवर किया है आज का और सभी लोगों को एक सिंपल मैसेज दिया है कि हमारे सिस्टम के साथ हम ये काम करेंगे तो आगे की जर्नी हमारा बहुत पावरफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच संदीप सर, और जितने भी पावर पैक हो गए जैसे कि स्टार्टिंग का हमारे एक अपलाइन एकनाथ कुमार सर और साधना दीदी का हो गया, बहुत बढ़िया उन्होंने भी कवर कर दिया। बाद में हमारा एग्रीकल ट्रेनिंग हो गया, कमलेश सर ने लिया बहुत पॉइंट टू पॉइंट खेती में कौन सा प्रोडक्ट देना है ये भी उन्होंने पूरा कवर कर दिया। बाद में कल का जो सेशन हो गया, ओ गॉड मैं कंटिन्यू बार बार मैं मतलब याद कर रहा हूँ, कल का जो प्रोडक्ट सेशन हो गया बहुत बढ़िया, क्योंकि लोगों का बहुत अच्छी तरह से फीडबैक आ गया है। और आज का जो सेशन हो गया 3 स्टेप 2 मतलब क्राउड, ये जो सक्सेस का फॉर्मूला उन्होंने बता दिया तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। एकनाथ सर बैक टू होस्ट, क्योंकि आप मीटिंग के होस्ट है तो आप ये मीटिंग क्लोज भी कर सकते हैं या कुछ मैसेज भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस सर मैं ये मीटिंग के लिंक जो है ना उसका मालिक हूँ, बाकी कुछ नहीं मेरे हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में सर। आई कैन लीव द मीटिंग बट यू कैन एंड द मीटिंग, आप एंड कर सकते हो मीटिंग को। थैंक यू।